बीते दिन बुधवार 19 जुलाई को देश के सामने एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। मणिपुर से महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ दरिंदगी करते हुए वायरल हुए इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नेता समेत बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों और आम जनता भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद से तमाम सवाल लोगों के मन में खड़े हो गए हैं। सभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस घटना वाले दिन ऐसा क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़क उठी। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी एकजुटता रैली के तुरंत बाद झड़पें शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों महिलाएं एक छोटे समूह का हिस्सा थी जो 4 मई को पहाड़ियों और घाटी के इन दोनों जातीय समुदायों के बीच हमलों और जवाबी हमले शुरू होने पर बचने के लिए एक जंगली इलाके में भाग गई थी। एक भीड़ इन अफवाहों पर आक्रोशित हो गई। उनके समुदाय की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इस भीड़ ने कथित तौर पर एक गांव पर छापा मारा और उस ग्रुप का पीछा किया जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थे। इनमें से 3 लोग एक 56 वर्षीय व्यक्ति, उसका 19 साल का बेटा और 21 साल की बेटी एक ही परिवार से थे। उनके साथ 2 महिलाएं और थी जिसमें एक 42 साल की और एक दूसरी 52 साल की थी। एफआईआर के मुताबिक जंगल की ओर जा रहे इन लोगों को नोंगपोक सैकमाई पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम मिली। पुलिस स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर पुलिस कर्मियों के साथ साथ इस ग्रुप पर कथित तौर पर लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। भीड़ ने कथित तौर पर इस ग्रुप को पुलिस से छीन लिया। भीड़ के हमले में कथित तौर पर 19 साल के व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह अपनी 21 वर्षीय बहन को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था। महिलाओं के रिश्तेदारों की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत से पता चला है कि उनमें से एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया था। पुलिस ने कहा है कि शिकायत के आधार पर 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज की गई। मामला 21 मई को नोंगपोक सैकमाई पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में यह घटना हुई थी। मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट बंद कर दिया गया था। यह वीडियो बुधवार को सामने आया, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर सामने आई पोस्टों में लोग अपना विरोध जता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद भीड़ में शामिल एक व्यक्ति हेराडास को घटना के 2 महीने से अधिक समय बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि 32 वर्षीय व्यक्ति वीडियो में हरे रंग की टी शर्ट में देखा गया था। पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कहा है कि लगभग एक दर्जन टीमें इस केस की जांच के लिए काम कर रही। हालांकि यह साफ नहीं है कि 77 दिन तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कार्रवाई में देरी पर सरकारी सूत्रों ने कहा है कि स्थिति कठिन थी और शुरुआती ध्यान संकट प्रबंधन और राहत पर था। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।